हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें समझने में रखो, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ा लिखा क्वेश्चन है सब। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। मतलब आपको जो पॉलीनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे उसको क्लासीफाई करना है, बांटना है किसमें, मोनोमियल में, बायनोमियल में और ट्राइनोमियल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। अब इसमें से कह रहा है कि इसमें से बाकी ऐसे कितने पॉलीनोमियल्स हैं जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे क्लासीफाई करना है, बात को समझ लेते हैं। देखो जो बात है वो समझते हैं, मोनोमियल, ठीक है, सॉरी मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब वो पॉलीनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, कितने टर्म्स हो, एक ही टर्म हो, बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें दो टर्म हो, ठीक है, ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म हो, ठीक है, इस बात है क्वाड्रिनोमियल। जिसमें चार टर्म हो, ठीक है, बात समझ रहे हो। इस तरह के मतलब चार और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग को चार तरह का ही पढ़ना होता है। आपको सिर्फ तीन ही पूछ रहा है कि इस तीनों में से कौन कौन सा क्या है। तो चलो बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो टर्म्स की बात करेंगे हम, जो जब भी बात करेंगे टर्म्स की, तो मेरे को चेक करना है कि कहाँ पे प्लस है और कहाँ पे माइनस है, क्योंकि प्लस और माइनस टर्म्स को अलग कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन टर्म्स को जोड़ते हैं। यहाँ पर उल्टा बात होता है, बात समझ रहे हो। डिवाइड मतलब क्या, पार्ट में अलग कर दे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। डिवाइड अगर हम किसी करते हैं, सपोज कर लो कि मैं अगर एक्स को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब ये दो टर्म नहीं, अब ये सिंगल टर्म रहा। लेकिन जब मैं एक्स में 2 जोड़ रहा हूँ तब ये अलग टर्म हो गया। तो यहाँ पे कमाल की बात होती है कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में टर्म एक हो जाते हैं और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में टर्म्स अलग अलग। तो आप तुमको ध्यान रखना है कि दो साइन का, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ख्याल रखना है, क्लियर बात। चलो आगे काम करते हैं अपना। मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे भाई मेरे, देखो यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे एक्स के पास, एक्स और वाई के बीच में प्लस है, मतलब दो टर्म्स हैं। तो दो टर्म्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। ये 1000 भाई, यहाँ पे एक ही टर्म है, यहाँ पे एक ही टर्म है, लेकिन एक्चुअली ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नंबर है, प्योर नंबर है। तो हम नंबर को पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं, अगर ऐसा कहना होगा तो। जस्ट सपोज कर लो कि अगर ऐसा हम 100 को, 1000 को पॉलिनोमियल कहते हैं, तो फिर ये 1 2 3 ये काउंटिंग नंबर्स नहीं है, तो पॉलिनोमियल बन जाएंगे, है ना। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसे कहने के लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है हम लोग कहते हैं। आगे क्लास में पढ़ना है 9th में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन एक्चुअली क्लास 8 तक हम लोगों को ये पॉलिनोमियल के रूप में नहीं पढ़, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको, अब देखो बुक में जो भी आंसर हो, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, ठीक है। तो इसको आप कहना चाहो वैसे तो मोनोमियल है, एक टर्म है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे बात करें कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकता है, तो ये मोनोमियल हम कह देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 9th-10th में हम लोग इसको मोनोमिल कहते हैं, पॉलिनोमिल कहते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे हम मोनोमिल कह दिया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, क्योंकि हर जगह प्लस है, ठीक है, तो चार टर्म्स हो गए। अब चार टर्म क्या होता है भाई, चार टर्म क्वाड्रिनोमियल होता है। तो इसमें से देखो हम लोग को तीन क्लासीफाई करना है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इसमें चार टर्म हो गए, क्वाड्रिनोमियल हो गया, तो इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से लिख देते हैं, ये एक्चुअली क्वाड्रिनोमियल है। ठीक है, बात समझ रहे हो, पॉलीनोमियल है। यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे 1 2 और 3 ही टर्म है, तीनों जगह पे प्लस है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बीच में माइनस है, मतलब दो टर्म है, बाकी 2y 3y से मतलब नहीं है, एक ही माइनस है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो टर्म हो जाएगा, ये बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 और 3 टर्म है, तो फिर यहाँ पे ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, फिर यहाँ 1, फिर माइनस, फिर 2, फिर प्लस, फिर 3, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी आपका ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। टर्म्स को पहचानने का काफ़ी अच्छा अंदाज है आपको, कि आप हमेशा प्लस और माइनस का ख्याल करो कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको समझ आ जाती है तो ये टर्म्स को क्लासीफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है।
यहाँ पे देखो यार, ठीक है, यहाँ पे फिर एक और यहाँ पे दो, मतलब दो ही हमारे पार्ट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइनोमियल, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपके समझ के बाहर की, समझ मतलब जो पूछ रहा है उससे बाहर की बात है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। चार टर्म्स वाले क्वाड्रिनोमियल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक ही टर्म है, पी क्यू आर, नम भले यहाँ पे तीन चीज है लेकिन उनके बीच में कहीं प्लस और माइनस नहीं है, ये पूरा का पूरा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा प्लस माइनस, तो एक्चुअली तो प्लस माइनस नहीं है, तो सिर्फ वो एक ही चीज है, क्योंकि प्लस माइनस टर्म्स को अलग कर देते हैं लेकिन वहां पे तो प्लस माइनस है ही नहीं, तो सिंगल टर्म है, मतलब इसको मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे फिर प्लस है तो दो बातें हो जाएंगी, बाइनोमियल हो जाएगा, और यहाँ पे एक और फिर दो, दो ही टर्म्स है, ये भी बाइनोमियल, ठीक है। तो इसको क्लासिफाई कर चुके हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। और देखो हमने क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हम, ठीक है ना, स्टडी का ग्रुप बना रखा है, फ्री ग्रुप है, कोई वैसे कॉस्ट वगैरह नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको अपने क्लास का वो कोड मिल जाएगा, आप कोड फिल करके सीधा ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्यूचर में कभी लाइव क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टू के बाद क्वेश्चन थ्री मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ऐड करने वाला टर्म्स है भाई, तो ऐड करने के लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना लेंगे, ठीक है, काफ़ी कचरा नहीं करना है, मतलब एक बार में हम एक ही चीज़ को समझे, अच्छे से समझे, पढ़ने का मोटिव ये होना चाहिए, मतलब एक ही बार में बहुत सारे मतलब ऐसे काम कर दूँ आपको समझ में नहीं आया तो अभी नहीं होना चाहिए, ओके। तो आगे के वीडियोज देखो, क्लास 8 में अब मैं एक एक टॉपिक, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं, चाहे वो बुक कोई भी हो, एनसीईआरटी हो, ऐसे वालों, मैं सबका जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी कहीं भटक रहा हूँ क्लास 8 के लिए कि मैं कहाँ पढ़ूँ, क्लास 8 का मैथ का कोई चैनल नहीं है, तो ये क्लास 8 का डेडिकेटेड चैनल है, मतलब क्लास 8 के लिए ही ये चैनल है ना, बाकी 99 कंटेंट में यहाँ पर नहीं डालता, उनके लिए मैंने अलग चैनल बना दिया है। तो आप क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि क्लास 8 के जो भी मैटर यहाँ पे आपको दिखाई पड़े आप पढ़ो और सीखो, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना फ्यूचर में। तो यहाँ पे अब हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, कैसे लगे वीडियो बताना कमेंट करके, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, बाय एंड टेक केयर।